हेलो हेलो सबसे पहले दूर दराज से जितने भी भैया दादा लोग पधारे हुए हैं सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन है, नमन है, बुजुर्गों के चरण प्रणाम है, देवी स्वरूपा माता नमन है। हेलो 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 बढ़िया भैया पहला चक्र गा लेने दीजिए। सही ऊपर वाले माइक की आवाज बढ़ा दीजिए। और ये जो हम लोगों का कार्यक्रम है आप लोग हर साल देखते हैं सुनते हैं, ये एक सौभाग्य हम लोगों का हुआ है कि फिरोजाबाद से चलकर आज हमारे बीच में केएस म्यूजिक हमारे संजय सिंह राठौर भैया भी आए हैं जो कि इस कार्यक्रम को आपको जब भी सुनना हो आप लोग यूट्यूब पर केएस म्यूजिक को सब्सक्राइब करें। रिंकी तिवारी जवाबी कीर्तन यादणी लालमन भैया जी का नाम डालकर इस कार्यक्रम को जब चाहें तब आप सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम लाइव चलेगा पूरी रात्रि और उसके बाद आप जब चाहें तब सुने इस कार्यक्रम को। बस निवेदन है जैसा आप लोग करेंगे वैसे आप लोग कैद होते जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग कैमरे की निगाह में हैं। इसलिए निवेदन है अच्छा करेंगे तो अच्छा आएगा और गड़बड़ करेंगे तो सही। इसलिए निवेदन है जो आप सभी लोग खड़े हुए हैं बैठ जाएं, बहुत अच्छी व्यवस्था होती है समिति की। आप लोगों से निवेदन है क्योंकि ये घंटे दो घंटे का कार्यक्रम नहीं है, पूरी रात्रि का कार्यक्रम है और आप लोगों का कार्यक्रम है। निवेदन है अभिवादन की श्रृंखला में उत्तर भारत के सुविख्यात कीर्तनकार आदरणीय सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री लालमन चंचल जी आपके चरणों में भी प्रणाम है। हम श्याम मंडल आपसे आशीर्वाद की कामना करते हैं और जीवन भर करते रहेंगे। सभी लोगों से आशीर्वाद लेते हुए आइए प्रस्तुत है कार्यक्रम कानपुर महानगर की सबसे छोटी पार्टी रिंकी तिवारी एंड पार्टी नौबस्ता कानपुर की ओर से। क्योंकि विलंब हो रहा है बहुत ज्यादा इसलिए कुछ नियम होते हैं, आइए चलते हैं उन्हीं नियमों का पालन करते हुए बहुत जल्दी में बाबा गणेश को बुलाते हैं, माता सरस्वती को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे बाबा इस कार्यक्रम में आप आए, इस कार्यक्रम में किसी भी तरह का कोई विघ्न ना पड़े इसलिए आपका आगमन अति आवश्यक है। बिल्कुल आइए चलते हैं बुलाते हैं बाबा गणेश को। हेलो 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 गजानन भूतगणाधिसेवितम् कपितजम् देवी सर्वभूतेषु दयारूपे संस्थिता नमः तस्यै नमो नमः। आइए चलते हैं बहुत जल्दी में महारानी के चरणों में एक छोटी सी वंदना करते हैं। लेकिन भैया जी मेरा मानना है लोग बड़ी सी बड़ा भंडारा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं, लेकिन एक बात को भूल जाते हैं। क्या कहते हैं कि घर की मैया भूखी बैठी जिसके गर्भ से आपने और हम सभी के बाप ने जन्म लिया है। इसीलिए कहना है कि घर की मैया भूखी बैठी
चूनर उन्हें चढ़ाते हैं। सच मानिए वो चूनर, वो भंडारा, वो हवन, वो यज्ञ सब बेकार हैं। कब कब जब तक आपकी माँ और बाप बाप से खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं हो सकता। तो आइए चलते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है और जब दूर होता है और भैया जब कोई चीज दूर होती है तो उससे प्रेम स्नेह ज्यादा होता है। तो जब वो बच्चा अपनी माँ से दूर हो गया, अचानक उसको रात में अपनी माँ की याद आती है। कब? जब उसको भूख लगती है। देखिए वो बच्चा अपनी माँ को याद करके रोने लगता है और कहता है कि माँ, अरे तेरे ममता के आंचल को मेरी नींदें तरसती है। सरस्वती का जिसके कारण से आज हम दोनों कलाकार आप लोगों के बीच में आए हैं। और ये बहुमूल आशीर्वाद, प्रथम आशीर्वाद हमारे जिला अध्यक्ष जी श्री सुनील कुमार जी, आपकी ओर से ये 100 रुपए का बहुमूल आशीर्वाद है। कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद। सरस्वती को बुलाता है। जय जय। तो आइए शुरुआत करती हूँ। मैया सरस्वती को बुलाती हूँ और कहती हूँ, मैया सरल संगीत हो जाए, कृपा की कोर कर दो
सहयोगी के रूप में आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री लालमन चंचल जी हैं, इसलिए आपको करना क्या है, भक्ति की लाज ना जाए, भक्ति की लाज ना जाए, दया मेरी ओर कर दो भैया की ओर से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, बहुत धन्यवाद है। शब्द झनकार कर जाना, स्वरों से कंठ भर जाना, बुलाती हूँ तुम्हें मैया, तोड़ कर मां चली आना। हमारे भैया श्री सुनील गौतम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा, आपकी ओर से ये 1 लाख रुपए का आशीर्वाद आया है, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हैं भैया श्री शिव पूजन ड्राइवर भैया गौधी कानपुर देहात, आपकी ओर से भी ये 51 रुपए का बहुमूल्य पुरस्कार है, भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है, धन्यवाद। माँ से कहना है कि भैया मधुर वाणी रहे मेरी बीच में। अरे रखोगी लाज आज मेरी, यही विश्वास करती सभा में आज आना है, अरे सभा में आज आना है, सरस रस धार लाना है, कहे परवाना बल्कि उत्तर भारत की एक महान हस्ती सम्मानिया रिंकी तिवारी जी को, उनके कुशल एवं सक्षम साथियों को। तो आइए सर्वप्रथम भगवान रविदास के पावन चरणों में नतमस्तक होते हुए माता आदिशक्ति भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए
जनपद फतेहपुर बिंदकी की इस पावन पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन स्वरूप में अंकित करते हुए जवाबी कीर्तन आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों का यथोचित अभिवादन वंदन नमन करते हुए हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख हैं और जितने वरिष्ठ सदस्य हैं सभी का यथोचित अभिवादन वंदन नमन है। देवी स्वरूपा माताओं बहनों का भी शुभ आशीर्वाद अपने सर पर लेते हुए आज की रात की सहयोगी कीर्तनकारा सम्मानीय रिंकी तिवारी जी, उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का हृदय से अभिवादन करते हुए नमन करते हुए आपकी सेवा में कानपुर नगर की सबसे छोटी पार्टी लालवन चंचल एवं साथी श्याम नगर कानपुर कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा धन्यवाद दे रहा हूं हम दो कलाकारों के मध्य में तीसरे कलाकार जिनके बगैर हम दोनों कलाकार बेकार साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। फिरोजाबाद की धरती से चल के आए हमारे संजय भाई जिनके द्वारा ये केएस म्यूजिक सिस्टम देख रहे हैं आप और ये आज रात हम लोगों को कैद करेंगे, इसके बाद देश विदेश में सुनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, सभी को प्रणाम है अपनी तरफ से और कार्यक्रम का शुभारंभ। चाटी बढ़ा दीजिए, चाटी चाटी बढ़ा दीजिएगा भाई। हेलो, चाटी बढ़ा दीजिए। और ये भी नहीं बोल रहा बिल्कुल, देख लो भैया, जितना हो सके आप करिए, जितना आपसे हो सके वो करिए, बस कार्यक्रम अच्छा हो जाए। हेलो, we'll be right back.
प्रेम जुलवा शक्ति महामाया की जय, सरस्वती मैया की जय, दुर्गा को शब्द अर्पित करते हैं और डायरेक्ट आपको हम जवाबी से जोड़ते हैं। चाटी बढ़ाओ। हाँ राजा खानो, क्या हुआ? हाँ राजा खानो, क्या करोगे? साहूकार जैसा है व्यवस्था भी व्यवस्थित हुई है। गजानन नमाने स्वर पाद गजन प्रेम चलोखले जी महाराज की यादे भी सर्वभूते मातृपेण संसिता यादे भी सर्वभूते शक्ति रूपे नमस्तस्यै नमो नमः। या पुण्य तुषार हार धवलाया शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्तन मंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्यु शंकरा त्रिविध विरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेध जाप्या ये भैया दीपक कुमार जी मीरक बस्ती नई बस्ती मीरकपुर नई बस्ती भिंदकी की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं प्रदान हुई हैं और हम जान चुके हैं कि आप लोग जवाबी से जुड़ना चाहते हैं तो साज के बाद वादन का काम यहीं से मैं स्थगित कर रहा हूं और डायरेक्ट वंदना का चक्र ले रहा हूं और तुरंत जवाबी शुरू हो जाए। ये टेबल लगा दें भैया, आपको थोड़ा कष्ट देंगे, माइक खड़ा कर दें, ये टेबल लगा दें मंच पे और हम आइए। बनता है बंद होता है।